गाइज यू नो आजकल 90% यंगस्टर्स में एक कॉमन सा प्रॉब्लम मिलता है जो कि है हेयर फॉल। तो आज मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग बना दिया जाए हाउ टू कंट्रोल हेयर फॉल के बारे में, जो मैं यूज़ करता हूँ खुद और मैंने रिजल्ट्स भी देखे हैं। तो मैं आज आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको ध्यान रखना है अगर आपको अपना हेयर फॉल कंट्रोल करना है या फिर हेयर ग्रोथ करना है। जो मैं यूज़ करता हूँ मैं आपको वो सारे डिटेल्स आज देने वाला हूँ। सर पे अगर बाल नहीं रहेंगे तो कॉन्फिडेंस पूरा डाउन हो जाता है, और सर पे बाल की कीमत उन्हीं को पता है जिनके सर पे कोई बाल नहीं है। तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा और मैं बहुत अच्छे अच्छे टिप्स आज आपको देने वाला हूँ, और जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करता हूँ अपने हेयर केयर के लिए तो वो मैं आपको बताऊँगा। वेलकम टू माई चैनल गाइस सिद्धिनाथ व्लॉग्स। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आगे जाने वाले दिनों में बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लाने वाला हूँ आपके लिए। मुझे घर पे कुछ काम नहीं था तो सोचा एक वीडियो आपको बनाऊँ जो कि आपके बहुत काम आ सके आगे। तो उसे स्टार्ट करने से पहले मुझे नहाना होगा, और उसके बाद मैं क्या क्या प्रोसेस करता हूँ मैं सब आपको आज बताने वाला हूँ। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो आधी जानकारी आपको मिलेगी जो कि कुछ फ़ायदा नहीं बनेगा मुझे वीडियो बनाने का। तो प्लीज़ वीडियो को देखते रहिए, और इन द मीन टाइम मैं नहा के आ जाता हूँ ताकि मैं आपको डिटेल में बता सकूँ आगे क्या क्या करना है। तो आपका वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं यूं नहाने गया और यूं नहा के आया। One eternity later. तो गाइज आप जैसे कि देख सकते हो मैं नहा के आ चुका हूँ, मेरे बाल पूरे भीगे हुए हैं। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि मैं कौन से शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करता हूँ। और तो गाइज मैं यूज़ करता हूँ ये हिमालय का एंटी हेयर फॉल शैम्पू, उसके साथ हिमालय का ही एंटी हेयर फॉल कंडीशनर। आप हमेशा ये ध्यान रखना जिस कंपनी का भी आप शैम्पू यूज़ करते हो उसी कंपनी का कंडीशनर यूज़ करो फॉर बेटर रिजल्ट्स। अब नहा के आने के बाद सबसे पहली गलती जो हर कोई करता है वो है बाल सुखाने की कोशिश करते हैं, और वो सुखाने के चक्कर पे आधे से ज़्यादा बाल वहीं उड़ा देते हैं। कैसे? जब भी हम बाल सुखाने के लिए टॉवल लेते हैं तो हम अब जितना सारा गुस्सा इसी टॉवल पे निकालते हैं बालों के ऊपर इस तरह से, विच इज़ रॉन्ग। आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना, बाल बहुत ही कीमती है दोस्तों, उसको इस तरह से आप सुखाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। जिसके लिए आपको ड्रायर यूज़ करना है, हेयर ड्रायर यूज़ करना है। और जो लोग बोलते हैं कि हेयर ड्रायर से बाल टूटते हैं झड़ते हैं, फेक र्यूमर ही है, बिल्कुल बिलीव मत करो। उल्टा बाल को ड्रायर से सुखाओगे तो और भी स्ट्रांग रहते हैं। किस तरह से? क्योंकि जब आप नहाते हो तो आपके बालों में जो अंदर जो पोर्स होते हैं ना वो खुल जाते हैं, जिसकी वजह से बाल ज़्यादातर नहाने के टाइम पर ही झड़ते हैं, क्योंकि वो पोर्स जब खुल जाते हैं तो हल्की सी प्रेशर में आपके बाल बाहर आ जाते हैं। तो इसीलिए जल्द से जल्द नहा के आने के बाद आपको हेयर ड्रायर से आपके बाल को सुखाना पड़ता है, जैसे कि मैं अभी करने वाला हूँ, आपको दिखाता हूँ। और एक चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि कभी भी सस्ता वाला ड्रायर जो कि 1000 रुपीज़ के नीचे मिलते हैं वो मत लेना। मेरा वाला ये है, ये अप्रोक्स 1700 या 1600 के करीब आया, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत अच्छा ड्रायर है ये, आप ले सकते हो, बेझिझक बहुत बढ़िया ड्रायर है ये। सो इस ड्रायर में आपको फ़ैन और टेम्परेचर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो फ़िलहाल मैं जब इमिडिएटली नहा के आया हूँ तो मैं अभी हीट का इस्तेमाल नहीं करूँगा, अभी मैं जस्ट फ़ैन का इस्तेमाल करके पहले अपने सारे बालों को ड्राई कर लूँगा, उसके बाद हम हीट अप्लाई करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, पहले मैं अपने बाल को सुखा लेता हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि आप जो कंघी यूज़ करते हो ना तो हमेशा ये राउंड वाला ही यूज़ करना, इससे बाल बहुत कम डैमेज होते हैं। तो अब मैं अपना हेयर ड्रायर से अपने बाल को सुखाऊंगा पहले। तो आप देख सकते हो मेरे सारे बाल सूख चुके हैं, और अभी जो पहला काम मैं करूँगा इसके बाद है ये मैं हेयर सीरम यूज़ करूँगा अपने बालों पे। बिफोर अप्लाइंग द हीट यू शुड यूज़ दिस वन। हेयर ड्रायर में जब आप टेम्परेचर हीटर ऑन करोगे तो बिना हेयर सीरम के कभी भी ट्राई मत करना, वो आपको बाल को डैमेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये सीरम लूँगा और थोड़ा सा ही, और हल्का हल्का अपने सारे बालों में लगाऊंगा।
अब हमने सीरम चारों तरफ लगा दिया हमने बालों में, अब जाके हम अपना ड्रायर में हीटर को ऑन कर सकते हैं। मिनिमम में यूज़ करिएगा आप, ज़्यादा यूज़ मत करिएगा टेम्परेचर। सो इस तरह से आप अपने बालों को सेट कर सकते हो, क्योंकि आज बाहर बहुत धूप है और मैं बाहर जाने वाला नहीं हूँ, घर पे रहने वाला हूँ, तो मैं ज़्यादा कुछ अपने हेयर प्रोडक्ट्स आज यूज़ नहीं करने वाला। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं जब बाहर जाता हूँ तो ये अर्बन गब्रू का फ्रूट हेयर स्प्रे यूज़ करता हूँ। ये क्या करता है, अपने बालों को जिस कंडीशन पे आप छोड़ोगे उसी में और लॉक कर देता है, पूरा दिन भर वो बाल उसी सेटिंग में रहते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बार बार कंघी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो यू कैन यूज़ फॉर इट, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत अच्छा है ये, ज़्यादा केमिकल्स आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगा और बालों के लिए भी सेफ है। और एक बात, ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते कि सिर्फ शैम्पू आपके बालों के लिए ओके नहीं है, उसके साथ आपको कंडीशनर भी यूज़ करना पड़े, सेम कंपनी का होना चाहिए। जैसे कि मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ हिमालय का एंटी हेयर फॉल शैम्पू, तो मैं हिमालय का ही एंटी हेयर फॉल कंडीशनर यूज़ करता हूँ, तो इससे मुझे बेटर रिजल्ट मिलता है। क्योंकि दूसरे कंपनियों का अगर एक दूसरे से अगर अलग होंगे ये, तो शायद रिज़ल्ट बहुत ख़तरनाक हो सकता है। तो आप ये हिमालय का भी यूज़ कर सकते हो, शैम्पू प्लस कंडीशनर। शैम्पू लगाने के बाद जब आप बाल धो दोगे, उसके तुरंत बाद कंडीशनर को लगा के 5 से 10 मिनट तक बालों को वैसे छोड़ दीजिएगा। हेयर फॉल का और एक मेजर कारण होता है कि स्ट्रेस। आप जितना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे आपके बाल उतना ज़्यादा झड़ते हैं, तो कभी स्ट्रेस लेने का ही नहीं। गाइस, बाहर इतना पोल्यूशन हो चुका है कि आज अगर आप अपने बालों को केयर ना करोगे तो 40-45 के एज तक आप गंजे होने के बहुत चांसेस है। इसलिए जितना हो सके अपने बालों का केयर करिए, और उसके लिए जो सही है वही प्रोडक्ट्स यूज़ करें। आलतू फालतू कुछ भी यूज़ ना करें, वो आपके बालों को उल्टा डैमेज कर सकते हैं। और जिन लोगों में हेयर रिसीडिंग का प्रॉब्लम अब से दिखाई दे रहा है, उनके लिए भी मेरे पास एक ऑप्शन है जो मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, इवन तो आई एम नॉट हैविंग दैट प्रॉब्लम। हेयर रिसीडिंग मतलब जिनका बाल यहाँ से झड़ना शुरू होते हैं और धीरे धीरे वो ऊपर जाते हैं। तो अभी मेरे को तो फिलहाल ये प्रॉब्लम हुआ नहीं है, लेकिन स्टिल आई एम यूजिंग दिस वन, कि मैं प्रिकॉशंस ले रहा हूँ पहले से ही कि आगे जाके मुझे कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए आपको चाहिए ये डर्मा रोलर, जो ये आप कांटे देख सकते हो यहाँ पे, तो 0.5 mm का ये डर्मा रोलर है, और इसे आप यूज़ कर सकते हो हेयर रिसीडिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसको क्या करना है ना, सिंपली लाइट प्रेशर देना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, आपके अपने फॉरहेड फॉरहेड में ऐसे रब करना है, रोल करना है, ज़्यादा प्रेशर मत दीजिएगा। और ये आपको मिनिमम 10 मिनट तक करना है, और हफ्ते में 2 बार करना है, ज़्यादा नहीं। वर्टिकली हॉरिजॉन्टली इस तरह से सारे कॉर्नर में आपको करना है, जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि बाल झड़ना शुरू हो चुके हैं। और मैंने ये अभी 2-3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, और इससे मैंने अपना जो इम्प्रूवमेंट नोटिस किया है, बेबी हेयर जो है ना, थोड़े थोड़े यहाँ से वो उगने चालू हो गए हैं। चल झूठा। तो इस तरह से आप इस यूज़ कर सकते हो हफ्ते में 2 बार। और जिनके बाल ऑलरेडी बहुत झड़ चुके हैं, जैसे कि इस मिड एरियाज में, आजू बाजू में, तो उनके लिए भी एक ऑप्शन है, ये हेयर ग्रोथ सेरम ऑयल आप यूज़ कर सकते हो। ये भी अर्बन गबरू का ही आता है, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसको आपको क्या करना है ना, उन्हीं एरियाज में स्प्रे करना है रात को सोने से पहले, जहाँ पे बाल बहुत झड़ चुके हैं। तो आप इस तरह से इसको स्प्रे कर सकते हो, जहाँ पे आपको लगता है कि बालों की डेंसिटी बहुत कम हो चुकी है, और सो जाने का है, फिर सुबह हेयर वॉश कर देने का है। तो इसको आप इवन डेली रात को सोने से पहले यूज़ कर सकते हो, या फिर अल्टरनेट डे आप यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो गाइस, जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करता हूँ वो सारे लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ट्राई कर सकते हो। देखो, मैंने यूज़ किया है और मेरे
बालों में तो अच्छा काम किया है। और एक बात, जब भी आप बाहर घूमते हो आपके बालों में डस्ट पार्टिकल्स जम जाते, तो याद रखना जब भी आप खुले बालों में बाहर घूमते हो तो इमिडिएटली घर आने के बाद हेयर वॉश करना ज़रूर। अगर आपने छोड़ दिया तो डैंड्रफ्स होंगे और वो आपके बाल झड़ाने में और हेल्प करेंगे, सो उसको अवॉइड करिएगा और अपने बालों का ख्याल रखिएगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही बता सकता हूँ आपको, और सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अपने स्किन का कैसे ख्याल रखें, पिंपल्स वगैरह से कैसे आप बाहर निकलोगे, कैसे अपने क्लीन को स्मूथ करोगे, सब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। लेकिन उससे पहले आपको रिक्वेस्ट करूँगा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा। और आज के ब्लॉग में इतना ही, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं नेक्स्ट वीक तक लाऊंगा, स्किन केयर के बारे में आपको बताऊंगा। अपने सेहत का ख्याल रखिए, आलतू फालतू चीज़ों से परहेज करें, ना खाएं ना पिएं और एक अच्छी ज़िंदगी जिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नाउ विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा बाय बाय। I'm in trouble.